हम मौजूद हैं यहाँ जो मस्कत चौरंगी पे जो ब्लास्ट हुआ है आलमगीर अपार्टमेंट अलानूर। इस वक्त मौजूद अलानूर अपार्टमेंट जो धमाका हुआ है, काफ़ी सारे घर यहाँ डैमेज हो चुके हैं, तो बाकियाँ तो हम सब देख रहे हैं। लेकिन मैं सिंध गवर्नमेंट से कहता हूँ कि जिस अंदाज से जब जहाज़ का धमाका हुआ था तो उनको कंपनसेट किया गया था, घर का मालोमता सामान गाड़ियों के सबके पैसे दिए गए, तो हम समझ सकते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को फौरी तौर पे जो बेचारे ज़ख्मी हैं, जो शहीद हो गए, जिनके सामान चले गए, जिनका नुकसान हो गया, उनके लिए मुआवजे का फौरी ऐलान करना चाहिए। चूँकि ये हल्का पीटीआई का है, ये हमारे लोग हैं और सिंध गवर्नमेंट को इसमें देर नहीं करनी चाहिए। अफसोस की बात है कि कोई बड़े कराची में जलसे तो बड़े कर लिए, इस वक्त कोई एक शक्ल नज़र नहीं आई है, ना वज़ीर आला साहब की, ना उनके पूरे जो हम नवा हैं, उनके मदारी हैं, कोई यहाँ पूछने नहीं आया है। बड़ी बड़े जलसे पूरे सिंध से लोगों को बिठा के कर दिया, कोई खैरियत पूछने नहीं आया। जिम्मेदारी तो उनकी थी, हम तो मुतासरीन हैं, ये हमारे MNA साहब हैं, MPA साहब हैं इलाके के, हम मुतासरीन हैं। मैं सिंध गवर्नमेंट से कहता हूँ इनके लिए फौरी तौर पर कोई अनाउंस करें कि क्या कर रहे हैं इनके लिए, जो जलसे के लिए अरबों रुपये खर्च किए, कुछ इनको भी दे दें आप आके।